Hello students, welcome back to your own learning platform Vedika Commerce Classes and Eco on the Go. Today we are going to solve the question of dispersion. So before going to solve the question of dispersion, we must know the meaning of dispersion. Ab dispersion hota kya hai? Dispersion is difference between the values given in the question to the average of that particular question. Means, हमारे पास जो भी वैल्यूज दी गई हैं वो हमारे एक्चुअल मीन से या एक्चुअल एवरेज से कितना डिफर करती हैं, कितना डिस्पर्स करती हैं, उस डिस्पर्स को, उस डिफरेंस को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंड दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन. और इस डिस्पर्जन को हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथड से कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि फर्स्ट मैथड जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं दैट इज रेंज. ठीक है, रेंज करेंगे, उसके बाद में हम मीन डेविएशन की फॉर्म में भी निकालेंगे, मीडियन डेविएशन की फॉर्म में भी हम डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में भी हम यहाँ पे डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे एंड क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्म में भी हम यहाँ पे डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं दैट इज रेंज. और डिस्पर्जन हमेशा दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव वैल्यू. अब एब्सोल्यूट वैल्यू, जब हम वैल्यूज को उसकी ओरिजिनल यूनिट के अंदर शो करते हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन या फिर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन. ठीक है, सेकेंड अगर हम रिलेटिव, अगर हम उन्हीं वैल्यूज को परसेंटेज के अंदर शो करते हैं तो वही चीज हमारी रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन बन जाती है. और इस रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन को हम कोफिशियंट ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे अब रेंज करने जा रहे हैं तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू रेंज निकालेंगे और रेंज का ही कोफिशियंट जो रिलेटिव वैल्यू होगी उसी को हम कोफिशियंट ऑफ रेंज बोलेंगे. तो हम यहाँ पे जो भी डिस्पर्जन की करेंगे, जो भी मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन करेंगे उनकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और उसी के साथ साथ एक कोफिशियंट और रिलेटिव वैल्यू भी निकालेंगे. ठीक है, तो रेंज हम सॉल्व करते हैं, रेंज स्टार्ट करते हैं. अब रेंज होता क्या है, हमें पता होता है कोई वैल्यू एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है. तो जहां से वो स्टार्ट हुई थी और जहां वो एंड होगी वो उसकी रेंज बोली जाएगी. फाइन, तो अगर हमारे पास इस तरह से कोई वैल्यू दी गई है या कोई डेटा दिया गया है तो इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और एंड ये होगा, तो इसकी रेंज क्या रहेगी, यही तो रेंज रहेगी ना, ये ड्यूरेशन या फिर ये डिस्टेंस ही तो रेंज होगा, यही डिस्पर्जन तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो हम अगेन रेंज को थ्री सीरीज के अंदर कैलकुलेट करेंगे, वन इज इंडिविजुअल सीरीज, देन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जिसमें हमें सिर्फ एक्स वैल्यूज दी जाती है, हमारे पास ओनली वैल्यूज दी जाती है, किसकी है, कितने स्टूडेंट्स की है, ऐसा कोई भी डेटा हमारे पास नहीं होता, तो वो हमारे लिए इंडिविजुअल सीरीज बोली जाती है. ठीक है, और डिटेल पे अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियोस का डिस्क्रिप्शन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, आप देख सकते हैं. अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज. यही तो थी सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारे पास रेंज का होता है, लार्जेस्ट वैल्यू जो भी आपको सीरीज के अंदर दी गई है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेंज निकल के आ जाएगी. ठीक है, दूसरी तरफ अब इसी का हमें रिलेटिव वैल्यू निकालनी है और रिलेटिव वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट. तो हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ रेंज क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू. सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारे पास रेंज का होता है. ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर तो हम बहुत इजीली कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती क्योंकि हमारे पास सिंगल डेटा होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज. और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो एक्स और एफ दो वैल्यूज दी गई होती है ना, इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं,
इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स है, इस तरह से हमें डेटा दिया गया होता है ना, तो उसमें तो x भी दिया गया होता है और f भी दिया होता है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी में से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे या अपने x वाली सीरीज से ढूंढेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी से कुछ नहीं करना होता है, हम जब भी रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम x वाली वैल्यू से ही यहां पे अपना डेटा सर्च करेंगे। तो अगेन फॉर्मूला तो हमारे पास वही ही रहेगा जो अभी तक था, लेकिन हम ये वैल्यूज फ्रॉम एक्स वाले कॉलम में से ये वैल्यू सर्च करेंगे। याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से आपने कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमें क्लास इंटरवल भी दिया गया होता है और फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है। जैसे कि हम 0 से 5 तक हमारे 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 5 to 10 हमारे सपोज 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इस तरह से करके हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। तो अब फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा रेंज का एंड कोफिशियंट ऑफ रेंज का, लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी हैव टू पिक अप द वैल्यू ऑफ रेंज, ठीक है। तो हमें कहां से पिकअप करनी है, कहां से पिक करनी है वैल्यूज, अगेन हमारे क्लास इंटरवल, क्योंकि यही तो हमारा एक्स की वैल्यू है ना, यही तो रेंज है ना, इस रेंज से इस रेंज तक इतने बच्चों के मार्क्स हैं। तो हमारी जो भी मिनिमम रेंज रहेगी और जो भी मैक्सिमम रेंज रहेगी, सपोज ये 45 टू 50 तक आती है, तो कहां से कहां तक, 0 से लेके 50 तक हमने एक रेंज बनाई हुई है। तो हमारी जो वैल्यू पिक होगी वो क्लास इंटरवल से ही होगी और रेंज हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेंज वुड बी 50 माइनस 0, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू ये है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। और कोफिशियंट ऑफ रेंज क्या होगा हमारा, अगेन हमारे पास 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कोफिशियंट ऑफ रेंज हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो होपफुली रेंज किस तरह से सॉल्व करते हैं, रेंज में जो छोटी सी कंफ्यूजन बच्चों को नॉर्मली हो जाती है वो आपकी दूर हुई होगी। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।